वेलकम डियर स्टूडेंट टू आवर चैनल एजुकेशन पॉइंट्स। आज की वीडियो में हम एक नई यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टार्ट हुआ है वो डिस्कस करेंगे, तालियान यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना। ये मास्टर के लिए 3500 RMB 3000 RMB और पीजीडी स्टूडेंट्स के लिए 3500 RMB स्कॉलरशिप देते हैं। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, ना एडमिशन फीस है, ना इंग्लिश के लिए कोई आईलेट जीआरई मांगती है। आज कल से एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, कोई हार्ड कॉपी आपने उनको सेंड नहीं करना है, सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करना है। दो जगह, एक को कहते सीएससी पोर्टल, एक को कहते यूनिवर्सिटी पोर्टल। तो दोनों पे अप्लाई करके उनके डॉक्यूमेंट्स, एक ईमेल है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसमें आपने सेंड कर। तो ये सारी चीज़ें इसमें ये लिखे है, क्वालिफिकेशन क्या है, आप चाइनीज नॉन चाइनीज़ होंगे मतलब पाकिस्तान या बांग्लादेश या इंडिया के होंगे, आपके पास सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए जीआरई हो या टफल हो या आईलेट्स हो, या अगर आप चाइनीज प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहिए तो आपके एचएसके होना चाहिए। एचएसके एक लैंग्वेज सर्टिफिकेट है। अगर आपने बीएस इंग्लिश में किया है, इंग्लिश में करते हैं हम पाकिस्तानी, या एमएस, तो आपको किसी भी इंग्लिश सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। स्कॉलरशिप की डिटेल ये है कि मास्टर स्टूडेंट्स को 3000 RMB देते हैं पर मंथ और डॉक्टर स्टूडेंट को 3500 स्कॉलरशिप देते हैं। इसमें सब कुछ होता है, लिविंग सब कुछ, फूड आपने खुद करना है इसी पैसों में से। एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड टर्म क्या है, द एप्लीकेंट शैल सबमिट। आप जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह फिल किया जाता है और कहाँ फिल किया जाता है, तो आपने इस ईमेल पर वो सेंड करना है। लेकिन इससे पहले एक बार फिर मैं बताता हूँ, अभी मैंने एक इस वीडियो के नीचे एक और वीडियो है चैनल में, देख ले बेस्ट ईमेल फॉर्मेट का। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सुपरवाइजर्स को ईमेल करने हैं, एक्सेप्टेंस लेकर फिर आपने सीएससी पोर्टल पर जाना है, एडमिशन करनी है। अभी मैं बताता हूँ कि किस तरह जाना है और किस तरह एडमिशन करनी है। और फिर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर एडमिशन करनी है, वो भी इस वीडियो में क्लियरफाई करते हैं। वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें। इसके बाद आपने कोई भी कॉपी नहीं भेजनी है। जिप इन जिप, जिप में किस तरह आप सेंड करोगे वो मैं बताता हूँ, और कौन सा फॉर्म इस ईमेल पर सबमिट करोगे, ठीक है, वो बताता हूँ। अच्छा, ईमेल जब आप सेंड करते हो यूनिवर्सिटी को, तो आपने किया करना है, किस तरह ईमेल करना है, आपने सब्जेक्ट में किया करना है, ईमेल में सब्जेक्ट है वहाँ आपने किया लिखना है। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखें, पासपोर्ट बनाएं, अभी से बनाएं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके पास पासपोर्ट नहीं होता तो आपका एप्लीकेशन थोड़ा वीक होता है। अच्छा, टीचर्स का जो लिस्ट है, मास्टर और पीएचडी का चेकिंग लिस्ट फॉर ड्यूटी मास्टर एंड पीएचडी एप्लीकेशन रेफर टू अटैचमेंट। अच्छा, नोट व्हेन यू फिल इन ऑनलाइन एप्लीकेशन एजेंसी नंबर। अच्छा, आपसे एजेंसी नंबर मांगा जाएगा तो आपने ये चीज़ फिल करनी है, ठीक है। आपने सीएससी स्कॉलरशिप लॉगिन पोर्टल पे जब जाए तो आपसे एजेंसी नंबर मांगेगा, तो आपने ये चीज़ पुट करनी है, 10141। अभी मैं आपके सामने करता हूँ ये सब कुछ, ठीक है। बाकी आपसे क्या मांगते हैं, आपसे आपके पास डिग्री होनी चाहिए, नोटराइज्ड फॉर्म, ठीक है, वो क्या होती मैं बताता हूँ। ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, अगर ट्रांसक्रिप्ट इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो इंग्लिश लैंग्वेज या चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करना होगा आपको। स्टडी और रिसर्च प्लान, रिसर्च प्लान आपने शेयर करनी है, आपने ये लिखना है रिसर्च प्लान स्टडी प्लान में कि मैंने वहाँ जाके कौन से तीर मारने हैं, तो वो चीज़ आपने लिखनी है। मैं फिलहाल ये वाटर ट्रीटमेंट पे काम करता हूँ, मैंने एटॉमिक मॉडल पे काम करना है, ये बात। एक्सेप्टेंस लेटर, ये बहुत ज़रूरी है, मस्ट नहीं है लेकिन बहुत पॉजिटिव इम्पेक्ट डालती है। टू लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये आपने टीचर से लेने हैं, अपने यूनिवर्सिटी में किसी भी टीचर के पास जाए और उससे कहे कि मुझे फॉरेन मुल्क जाना स्कॉलरशिप पे, आप मुझे रिकमेंडेशन लेटर दे दो, तो वो बेस्ट एंड वेल आपसे जानता है और वो आपको दे देगा। फोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट, कम से कम पासपोर्ट आपका में लास्ट ये मतलब वो जो हम कहते हैं ख़त्म होने का तारीख 6 मंथ से कम ना हो। एचएसके आईलेट्स टफल, ये वो मांगते हैं लेकिन तब मांगते जब आपने
बीएस पश्तो में किया हो या उर्दू में किया हो, ये चीज़ सर्टिफिकेट ऑफ नॉन क्रिमिनल कन्विक्शंस अपने जो भी करीबी ताना हो वहाँ जाके उससे कहो कि मुझे नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनाने, वो आपको दे देंगे। एक पिक्चर जिसका साइज ये हो 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 4 सेंटीमीटर अगर इतना ना अप, जो भी पिक्चर आपके पास अपलोड कर, अपलोड नहीं होता तो ऑनलाइन गूगल में जाए और रिसाइज द पिक्चर कर ले तो हो जाए। कब तक एडमिशन हो, रिजल्ट कब होगा? जुलाई के एंड में, ठीक है। और वो कब आप लोगों को बुलाएंगे? सितंबर 2022 में, ठीक है। तो चलते हैं एडमिशन प्रोसेस की तरफ। एडमिशन प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप है ईमेल करना, टीचर को ईमेल करना। टीचर को ईमेल किस तरह करोगे, प्रोसेस में शेयर करता हूँ आपके पास आपके साथ। तो ये प्रोसेस है ईमेल करने का, देख लीजिए। अच्छा, इस प्रोफेसर या कोरिया या जो जिस कंट्री के प्रोफेसर के साथ हम कांटेक्ट किस तरह करेंगे? हम फॉरेन स्कॉलरशिप से सिर्फ इस वजह से रह जाते हैं कि हम प्रोफेसर से कांटेक्ट नहीं कर सकते, बाकी फॉरेन स्कॉलरशिप में कोई मुश्किल काम नहीं है। सिंपल से पोर्टल है, उसमें बंदा लॉगिन हो जाता है और रिप्लाई करता है। लेकिन सबसे पहले इनिशियल स्टेज और जो इम्पॉर्टेंट भी है, मस्ट नहीं है लेकिन आपके चांसेस बढ़ा देती है। एक बार आप सुपरवाइजर के साथ कांटेक्ट में आ गए तो आपके एडमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रोफेसर को हम ईमेल किस तरह करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपने प्रोफेसर को सर्च आउट करना है। प्रोफेसर को किस तरह सर्च आउट करना होगा? डियर, मैंने इस चैनल के में बहुत से यूनिवर्सिटी की एडमिशन जब आ जाती है तो मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी की एडमिशन किस तरह की जाए। तो वहाँ मैंने सुपरवाइज़र का लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया होता है, मुख्तलिफ लिस्ट मैंने दिए होते हैं डिस्क्रिप्शन में, तो सुपरवाइज़र का लिस्ट भी मैंने देता हूँ। तो वो लिस्ट खोल कर आपको सुपरवाइज़र का ईमेल मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको सुपरवाइज़र का ईमेल मिल जाता है तो आपने क्या करना होता है, ठीक है, आपको सुपरवाइज़र का ईमेल मिल गया। लेट सपोज ये हमारे पास सुपरवाइज़र है, मुझे ये आपको ये लिस्ट मिल गया, कहीं से भी मिल जाता है। ये मैं जिस यूनिवर्सिटी का एडमिशन आता है, एक बार फिर रिपीट करता हूँ, तो उस यूनिवर्सिटी के सुपरवाइज़र उसके लॉगिन पोर्टल अप्लाई करने का जो पोर्टल होता है जहाँ पे आपने फॉर्म फिल करना है, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। तो लेट सपोज ये दलियान यूनिवर्सिटी का है, इसकी वीडियो भी अभी अपलोड होगी। तो इसका ये टीचर है, इसका रिसर्च वर्क ये है, ठीक है। किस चीज़ को सुपरवाइज कर रहा है, पीएचडी को, मास्टर को, मास्टर को, ठीक है, या पीएचडी सुपरवाइजर, तो जो आपके फेवरेट हो, जो आपके कोर्स के मुताबिक हो। तो लेट सपोज मैं ये मास्टर वाला करता हूँ, स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स मैथमेटिकल साइंस, ठीक है। मैंने मैथमेटिक्स में बीएस किया है। सॉरी, मैंने मैथमेटिक्स में बीएस किया है, तो मैं इस टीचर के साथ इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि ये नॉट थ्योरी पे काम कर रहा है और मेरा काम भी नॉट थ्योरी। लेट सपोज तो मैं ये ईमेल फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये ईमेल मैंने कॉपी कर दिया, तो मैंने ये ईमेल कॉपी कर दिया, ठीक है। तो ईमेल यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है। तो सब्जेक्ट में मैंने क्या करना है, देखें, सब्जेक्ट में आपने लिखना है रिक्वेस्ट फॉर एक्सेप्टेंड लेटर फॉर सुपरविजन परसुइंग, यहाँ पे मास्टर करनी है या पीएचडी करनी है, तो उस चीज़ के लिए। तो वो तो ये चीज़ आपने इस तरह एमएस वर्ड में तैयार की होगी पहले से ऑलरेडी, ठीक है। एमएस वर्ड में आपने क्या क्या लिखना है वो मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब्जेक्ट इस चीज़ को हल कर ले, तो सब्जेक्ट में ये चीज़ लिख ली, ये हो गया। अब एमएस वर्ड में दोबारा आ जाए, डियर प्रोफेसर, प्रोफेसर का नाम क्या है, आप देखो ये प्रोफेसर का नाम है, इसको कॉपी कर लें, यहाँ पे पुट कर लें, ठीक है। टाइम देना पड़ेगा, टाइम के बगैर कुछ नहीं होता। अब ईमेल स्टार्ट हो गया, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, माई नेम इज़ फलाना फ्रॉम पाकिस्तान या जो भी कंट्री हो, आई हैव कम्प्लीटेड माई बी एस डिग्री, ये मैंने एम एस सी लिखा है। लेट सपोज आप जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हो, आपने बी एस किया या एम एस किया है, आई हैव कम्प्लीटेड माई बी एस सी डिग्री इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग इन मैथमेटिक्स इन फिजिक्स, जो भी हो, फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ फलाना, जो भी हो उसका नाम लिख ले। माई एम एस रिसर्च वर्क या
आपने बीएस किया है, मैंने यहाँ पर एमएस लिखा है, माय बीएस या बीएससी रिसर्च वर्क इज फलाना, आपका जो रिसर्च वर्क है वो यहाँ पे आप लिख ले, ये वन में वो लिख ले कि मैंने नॉट थ्योरी पे काम किया है, फिजिक्स वाले लिखेंगे कि मैंने एटॉमिक मॉडल पे काम किया है, सेम लाइक जस्ट एग्जांपल के तौर पर, तो वो लिख, जिस चीज पे आपने लास्ट ईयर में काम किया है वो लिख ले, ये आपने लिख लिया। आप इसके बाद बोले आई स्टडी योर रिसर्च इंटरेस्ट, सर मैंने आपके रिसर्च इंटरेस्ट स्टडी कर दिया, जो कि कौन सा था, मैंने ये देख लिया कि आप नॉट थ्योरी पे काम कर रहे हैं, तो मैंने आपका रिसर्च इंटरेस्ट स्टडी कर लिया, नॉट थ्योरी इंक्लूडिंग ऑफ नॉट थ्योरी, इसको आप हाइलाइट्स कर सकते हैं, कोई चीज यहाँ पे लगाए, ठीक है। डियर प्रोफेसर नाउ आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू ज्वाइन योर एनवायरमेंटल रिसर्च ग्रुप, टू ज्वाइन योर मैथमेटिक, आप अपना फील्ड लिखोगे रिसर्च ग्रुप टू इम्प्रूव माई रिसर्च वर्क फॉर फर्दर ऑन मास्टर या पीएचडी जो भी है, इन दिस रिगार्ड आई नीड यूर लेटर ऑफ सपोर्ट, इट विल इंक्रीज माई एडमिशन चार्जेस फॉर द स्कॉलरशिप बाई गेटिंग एक्सेप्टेंस लेटर फ्राम यू फॉर दिस सी एस सी, यहाँ पे मैंशन करें इनको, ये लोग तवज्जो देते हैं, सी एस सी स्कॉलरशिप बाई गेटिंग एक्सेप्टेंस लेटर फॉर यू, यू कैन गिव मी एनी टास्क टू चेक माई एबिलिटी ऑफ रिसर्च, आई विल बी, इट विल बी हनर, वो कौन कोई टास्क भी नहीं देते, इससे मत डरो, लेकिन आपने उसको ऑफर करने की, आप मुझसे कोई भी टास्क करवा सकते हैं, इट विल बी हनर फॉर मी टू स्टडी अंडर यूर सुपरविजन, वेटिंग होपफुली एंड ईगरली फॉर यूर काइंड रिस्पॉन्स, लेट मी नो इफ यू नीड एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आपने एट द एंड क्या क्या अटैच करनी है, सी वी जरूर अटैच करें, ट्रांसक्रिप्ट लास्ट, अगर डिग्री कंप्लीट है तो वो अटैच करें, डिग्री कंप्लीट नहीं है तो लास्ट सेमेस्टर का ट्रांसक्रिप्ट कंप्लीट करें, और आप होपफुल हो कि जून जुलाई में डिग्री आ जाएगी। रिसर्च पेपर या जो आपने बीएस में काम किया है उसके फर्स्ट दो तीन पेजेस या उसकी समरी लिखे, एब्स्ट्रैक्ट लिख ले, दो तीन लाइन इंट्रोडक्शन लिख ले, उसका रिसर्च मेथोडोलॉजी लिख ले, दो तीन पेजेस हो तो वो चीज़ भी अटैच कर ले, तो वो इस एप्लीकेशन के साथ लगाए, तो क्या कर लोगे, तो ये चीज़ आराम से इस तरह कॉपी कर लोगे, देखिए इस कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैंने तो फुल सेटिंग किया है, यहाँ पे मैंने फॉर्मेट टाइम न्यू रोमन दिया है, ठीक है, यहाँ पे साइज मैंने दिया है 12 वगैरह, तो ये कर ले, यहाँ पे पेस्ट कर ले। तो हर टीचर के लिए आप बेस्ट विशेज इन रिगार्ड, याद रखें यहाँ पर नाम मैथमेटिक्स बीएससी मैथमेटिक्स ये जरूर लिखना है। अच्छा यहाँ पर आपने ये काम करना है, यहाँ प्रोफेसर का नाम बार बार चेंज करना है, यहाँ पे आपका जो रिसर्च वर्क है वो तो चेंज नहीं होता, जो दूसरा टीचर होता है जिसका रिसर्च वर्क आपसे रिलेटेड होता है लेकिन डिफरेंस होता है, तो आपने यहाँ पर चेंज करना है, बाकी तो आप वही चीज़ लिखोगे जो पहले एक प्रोफेसर के लिए लिखे है, ठीक है, तो कोई चेंज नहीं करना, तो यहाँ से कॉपी करना, वहाँ पे पेस्ट करना, तो इससे बेस्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल नहीं है, ठीक है। याद रखिए यहाँ पे सीवी अटैच करना, ये चीज़ें अटैच करना ना भूले, सीवी अटैच करना है आपने, यहाँ पर आपने ट्रांसक्रिप्ट अटैच करना है, और रिसर्च वर्क का जो भी चीज़ हो, एब्स्ट्रैक्ट सिर्फ वो हो या जो भी चीज़ हो वो आपने अटैच करना है, ठीक है। तो ये बेस्ट मेथड है एक्सेप्टेंस लेटर का, और आजकल जिस यूनिवर्सिटी का एडमिशन स्टार्ट हो जाता है तो पहले पहले आप ये काम कर ले, इसके बाद एडमिशन स्टार्ट कर ले, तो 90% चांस है कि आप लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। अब टीचर को ईमेल करने के बाद आते हैं लॉगिन पोर्टल की तरफ, ये हो गया, ये लॉगिन पोर्टल आपको कहाँ से मिलेगा, ये इस पर सर्च कर ले, स्टडी इन चाइना cacedu.cn, डिस्क्रिप्शन में ये लिंक मौजूद है, आप नए नए हो तो आप यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पे पुट कर ले, ये देखिए ये क्रिएट एन अकाउंट, ये कारण में, हाँ मैंने पहले से बनाया है तो मैं डायरेक्ट लॉगिन हो रहा हूँ, आप लोग देख लें अप्लाई किस तरह करेंगे, मैं तो, अच्छा एक बात का ख्याल रखें, वाईफाई आपके पास तेज हो, मतलब ऐसी जगह पे बैठे कि वहाँ वाईफाई काम कर रहे हो, हॉस्टल में काम आप अप्लाई कर रहे हो तो ऐसा करें कि
रात 12 बजे की बात करें, जब ज़्यादातर लोग सोते हो तो वाईफाई की स्पीड तेज़ होती है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो वेरिफिकेशन कोड इज इनवैलिड, इज अपटेन अ न्यू वेरिफिकेशन कोड। ओके, इस चीज़ में कभी कभी ये मसले आते हैं। डी एस कैपिटल, बी एस कैपिटल, साइन इन। वैलिडिटी कोड इनकरेक्ट, शाम ट्राई करते हैं। ये नेट की वजह से कभी ये प्रॉब्लम आते हैं, शायद हमने गलत पुट किया हो। एक्स यू, ये मसले आते जाते हैं। ये ओपन हो गया, ठीक है, ट्राई करते रहे। ये मसले आते हैं कभी, पासवर्ड का मसला, कभी इधर उधर का मसला। तो वीडियो इस वजह से मैं स्लो बना रहा हूँ ताकि आपको ये तमाम प्रॉब्लम सामने आएंगी। मैं इन चीज़ों को निकाल भी सकता हूँ वीडियो से ताकि वीडियो शॉर्ट हो जाए, लेकिन इस वजह से नहीं निकालते क्योंकि ये प्रॉब्लम जब आपको फेस होंगे और वीडियो में आपको नज़र नहीं आएंगे तो आप लोग टेंशन में होंगे कि ये क्या भला है। ठीक है, तो अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन, तो ये खुलते हैं, लेकिन इस तरह आपकी भी स्लो ब्राउजिंग करेगा तो इसके लिए पेशेंट रहे। ठीक है, और यहाँ जब हम अप्लाई कर लेंगे ना, मैं आपके सामने अप्लाई करता हूँ, अगर आप लोगों ने वीडियो आगे करनी है तो इस अप्लाई करने के बाद मैंने डायरेक्ट जहाँ जाना है इस दालियन यूनिवर्सिटी के लॉगिन पोर्टल में। यहाँ पर अगर आप नए हो तो रजिस्टर पुट कर ले, अगर आप पुराने हो तो साइन इन कर ले, और यहाँ पर ईमेल वगैरह कर ले। यहाँ पर मेरा भी कोई लिंक नहीं है, मेरा भी कोई वो नहीं है रजिस्ट्रेशन अकाउंट। तो यहाँ पर आप आ गए, ठीक है। ये लॉगिन का जो पोर्टल है ये आपके साथ मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करता हूँ। माई एप्लीकेशन, देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज नज़र आपको आएगा क्योंकि मैं तो ऑलरेडी ये काम कर चुका हूँ। यहाँ पे एडिट पर्सनल डिटेल्स, अगर मैं डिटेल्स पर्सनली मेरे पास क्यों आ गए क्योंकि मैं यहाँ पे एक बार फिल कर चुका हूँ, आपको नज़र आएंगे अभी कि ये चीज़ें मेरे ज़्यादातर फिल हैं। एडिट पर्सनल डिटेल हो गया तो अच्छा, ये तो देखो ये मेरा सब कुछ फिल है, तो ये हो गया, ये मैंने लिखे है अक्सर। देखो ये एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, ये देखें, देखो ये फील है, तो आपने इस तरह फील करना है। देखो ये भी फील है, तो मैं बताता हूँ कि क्या क्या फील करनी है। देखो एडिट पर्सनल डिटेल में नेम, सर नेम, चाइनीज नेम आपका नहीं है तो छोड़ो, डेट ऑफ बर्थ लिखिए, जेंडर मेल लिखिए, ये शादी की है नहीं की है, कंट्री ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ, रिलीजन, नेशनैलिटी, नेटिव लैंग्वेज किया है उर्दू लिख लिया, पासपोर्ट नंबर लिख लिया, मैंने रफ लिखा है, पासपोर्ट का डेट ऑफ एक्सपायरेशन किया है। अब अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो इसके बगैर काम चल सकते हैं, लेकिन असर कम होता है, आपका एप्लीकेशन इतना कम्पिटिटिव नहीं बनता, इतना मज़ेदार नहीं बनता उर्दू में। ठीक है, यहाँ पर अपना एड्रेस लिख ले, घर का एड्रेस लिख ले, अच्छा इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर लिख ले, अपना लिख ले, जो आपका अपना नंबर हो वो लिख ले, रिलेशनशिप का या अपने ब्रदर का लिख ले, तो यहाँ पर वो आपसे मांगते कि वो आपका क्या लगता है रिलेशन में, तो ब्रदर लिख ले, फ्रेंड का लिख सकते हो, लेकिन ऐसे बंदे का लिख ले कि ट्रस्टेड हो और थोड़ा एक्टिव हो। हमारे सारे दोस्त सोते हैं ना अक्सर, तो इस वजह से ईमेल लिख ले, उस बंदे का ईमेल लिख ले, लेकिन यहाँ पे प्रेफरेंस अपने ब्रदर को दे, किसी और पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आगे जाए, वेरीफाई एंड सेव कर ले, ठीक है। फिर आगे आपको ये पोर्शन आएगा, तो इसमें अपने अपना एजुकेशन लेवल मेंशन करना है, आपका जो हाईएस्ट एजुकेशन है वो मेंशन कर ले, एजुकेशन लेवल मास्टर डिग्री या बीएस डिग्री जो भी हो वो कर ले, फील्ड ऑफ स्टडी, फील्ड किस फील्ड ऑफ स्टडी सिविल इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स किया है, फिजिक्स किया है, ठीक है, कंट्रोल इंस्टीट्यूट कहाँ से किया है, इंस्टीट्यूट का नाम, कंट्री ऑफ इंस्टीट्यूट,
कहाँ से किए, यूनिवर्सिटी का नाम लिख लिए, क्वालिफिकेशन आपकी किया है, ईयर अटेंडेड टू कब किया है बीएससी या एमएस, बे एजुकेशन लेवल यहाँ पर आ जाए तो लेट सपोज एमएस, यहाँ पर फिर आपने एफएससी की क्वालिफिकेशन लिखनी है, अगर आपने बीएस किया है, अगर आपने मास्टर किया तो ऊपर मास्टर हो गया, यहाँ पर बीएस हो गया, यहाँ पर एक बार फिर एजुकेशन लेवल मांगे तो एफएससी वाले पुट कर ले, इम्प्लाई हिस्ट्री मांगते हैं तो ये तो इम्प्लाई नहीं है तो छोड़ दे, वेरीफाई एंड सेव करें, आगे जाए तो आगे कर, यहाँ ये चीज़ आ जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। अदर कॉन्टेक्स्ट में वो कहता है कि आपका कोई ऐसा बंदा है जो चाइना में मौजूद हो, तो ये टू द पॉइंट है कि आपने अगर प्रोफेसर के साथ कॉन्टेक्ट किया और आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है, डायरेक्ट उनका नाम लिख ले, उनका ईमेल लिख ले, मोबाइल नंबर लिख ले और आगे जाए, उनका एड्रेस लिख ले, ठीक है, स्पॉज नेम, उसका एज क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, फादर का नेम, मदर का नेम, उसका एज क्या है, उसका सेव एंड वेरीफाई कर ले और आगे जाए, ठीक है, वेरीफाई एंड सक्सेसफुली सबमिटेड, सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद अभी बाकी हैं, देखिए ये फिनिश कर ले, ठीक है, सबमिट ये सेव हो गया। जब फिनिश करते हो तो चेंज माई एप्लीकेशन टू टाइप, माई एप्लीकेशन में आप आ जाए, माई एप्लीकेशन, अच्छा गुड, माई एप्लीकेशन में मैं आ गया, मैंने नाइन किया है तो एड न्यू एप्लीकेशन, एड न्यू एप्लीकेशन, एड न्यू एप्लीकेशन का मतलब आपने दो तीन जगह पे अप्लाई करनी है ना, तो यहाँ पे मैं एड न्यू एप्लीकेशन कहता हूँ, यहाँ पर यूनिवर्सिटीज तीन हो जाएंगे, ये वन टू है, अब एड न्यू एप्लीकेशन मैंने कर दिया, देखें एजेंसी नंबर आपने क्या लिखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, दालियान यूनिवर्सिटी का एजेंसी नंबर है, यहाँ पर उन्होंने लिखा था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके बगैर कुछ नहीं होता, एजेंसी नंबर सही लिखना ही है, देखो 10141, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, अच्छा देखिए यहाँ पे जून ही मैं एजेंसी नंबर पुट करूँगा, यहाँ पर खुद बहुत यूनिवर्सिटी का नाम आएगा, दालियान यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा, देखें डज नॉट एग्जिस्ट, अब देखें खुद बहुत हो जाएगा, दालियान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, पहले ये लिखते कि डज नॉट, लेकिन बाद में हो जाता है, चाइनीज प्रोफिशिएंसी नहीं है, ओके, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एक्सेलेंट, ओके, ये सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, वेदर होल्डिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, तो आपने यहाँ पर यस इस वजह से नहीं लिखना क्योंकि ये जीआरए और टफल का पूछ रहे, तो आपने उसका टेस्ट के डेट मार्क्स और डेट पुट करने होंगे, तो इसको नो कर लें, अच्छा अप्लाई एज अ, अप्लाई एज अ कौन सी डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, प्रेफर टेक्निकल लैंग्वेज, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इंग्लिश लिखना है, यहाँ पे गलती ना कर बैठना, ओके, यहाँ पे आ गया, आ जाएगा, ये चीज़ें आ जाएंगी, यहाँ पे इंग्लिश और चाइनीज नहीं आ रहा, ये आ जाएगा, तो फिर पुट कर लेते, थोड़ी टाइम बाद आते हैं तो देखते हैं, डिसिप्लिन अप्लाई फॉर, ये खुद बहुत आ जाएंगे, देखो तो मास्टर डिग्री, तो यहाँ पे देखो ये भी आ जाएगा, ये आ गया, मैंने उसको फील नहीं किया था, इस वजह से यहाँ पे भी आ जाएगा, अब इंजीनियरिंग मैनेजमेंट नेचुरल साइंस मेजर अप्लाइंग फॉर, किस चीज़ की रिप्लाई कर रहे हैं, ये मैंने वैसे रफ पुट कर लिया, ये ड्यूरेशन खुद बहुत हो जाएगा, ड्यूरेशन ऑफ मेजर स्टडी, ये खुद बहुत पुट हो जाएगा, आगे जाए, कभी चाइनीज़ में स्टडी किया है, नो, एवर स्टडी चाइना अंडर चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, नो, वेरीफाई एंड सेव, अच्छा एक काम करें, वेरीफाई एंड सेव हो गया तो अपने ये स्टेप करना है, इंपॉर्टेंट स्टेप, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में देखें, ये चीज़ मैंने नहीं किया, तो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में है, यहाँ आइडेंटिटी कार्ड की फ़ोटो अपलोड करें, सर्टिफिकेट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन नोटराइज्ड कॉपी, बीए आपने बीएस किया है तो बीएस की कॉपी से फोटो स्टेट करके उसको कचहरी, कोर्ट कचहरी में ले जाए, वहाँ बायरो की लेडी उससे कहना कि मैंने फॉरन जाना, ये नोटराइज करे, वो आपके लिए दो तीन स्टेप लगाएगा, आपसे 100-200 रुपये लेगा, आपकी कॉपी नोटराइज हो जाएगी। थर्ड नंबर, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशन, अपने ट्रांसक्रिप्ट से फोटो स्टेट कर ले, वहाँ जाए उस बंदे के पास
जो मैंने बता दिया कोर्ट के कचहरी में, और उससे इसी ये बात बताएं कि मैंने बाहर जाना है। स्टडी प्लान में आपने क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इसे भी कहते हैं। इसकी वीडियो मैंने दो वीडियो शेयर की है, एक है 11 मिनट की, एक है 56 मिनट की। 11 मिनट वाली वीडियो देख ले, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या स्टडी प्लान आपको खुद बहुत पता चल जाएगा स्टडी प्लान क्या है। इसी वीडियोज में मौजूद है, नीचे जाए एक दो वीडियोज के बाद आपको आ जाएगा इसी चैनल पर। रेफरेंस वन रिकमेंडेशन लेटर को कहते हैं, जो आप अपने यूनिवर्सिटी के किसी भी टीचर से ले सकते हैं। पासपोर्ट होम पेज, अब आपके पास पासपोर्ट नहीं और आप ये चीज़ खाली छोड़ दें तो आपके पास एप्लीकेशन का क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड फॉर फॉरनर, ये एक फॉर्मेट होता है जिसका लिंक मैं आपके साथ से शेयर करूँगा, या गूगल में जाए और ये लिख लें कि फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड फॉर चाइनीज अप्लाई, तो एक फॉर्मेट आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेंगे, हॉस्पिटल में ले जाए, डॉक्टर से मिल ले कि मैंने ये चीज़ साइन करनी, तो जो ज़रूरी चीज़ें होती तो तीन टेस्ट वो आपने करवाने होंगे, तो उसके बाद वो आपके लिए स्टैंप लगाएगा, काम चलता है। पेपर और आर्टिकल कुछ भी हो आपके पास, रिसर्च वर्क किया हो, BS थीसिस लिखे हो, या थीसिस अगर अपलोड नहीं हो रहे थे, थीसिस तो बड़े होते तो इसका साइज छोटा करके या पेजेस कम करके या सिर्फ समरी लिख के अपलोड कर लें। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आप कुछ भी अपलोड कर सकते हो। चाइनीज, अच्छा इंग्लिश लैंग्वेज, चाइनीज लैंग्वेज प्रोग्राम ये नहीं छोड़े। इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट अपनी यूनिवर्सिटी वालों के पास जाए, उससे कहे कि मेरे लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंट सर्टिफिकेट बना देंगे। नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड पुलिस थाने में जाए और उससे कहे कि मुझे ये बनाए, और सबमिट करने के बाद आपकी तीन यूनिवर्सिटीज हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं तो सबमिट नहीं कर रहा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं, देखो मेरे पास तीसरी यूनिवर्सिटी आ गई, दालियान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको मैं एडिट कर सकता हूँ उस वक्त तक जब तक लास्ट डेट बाकी हो। ठीक है, तो ये हो गया एप्लीकेशन प्रोसीजर। दूसरी ऐसी तमाम यूनिवर्सिटियों का प्रोसीजर इस तरह, ऐसी एक को सीख ले, सारे को अप्लाई करें। आप मैक्सिमम तीन यूनिवर्सिटी को अप्लाई कर सकते हो बी से, आपको जब एप्लीकेशन फिल करते तो आपको ए प्लान आता है, बी प्लान आता है और सी प्लान। डी प्लान पे सेलेक्ट करना है, बी प्लान पे, ए पर स्कॉलरशिप आधा मिलता है। इसके बाद यहाँ पे अपना आना होगा और आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करना होगा, तो रजिस्ट्रेशन के लिए ये चीज़ आ गया कि किया, आप तमाम रूल रेगुलेशन का ख्याल रखोगे तो आपका बिल्कुल रखूँगा। एक्सेप्ट कर दिया, यूज़र नेम, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, ई मेल, वेरीफाइंग कोड एंड देन यू आर रजिस्टर्ड। ठीक है, तो यूजर नेम है XYZ, पासवर्ड है यूज़र नेम किया देना होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ आप अप्लाई कर रहे हो, जो भी देते हो दे दे, कुछ नहीं होता। ठीक है, ये मैंने ईमेल दे दी। ठीक है, CDZN ईमेल एक ही यूज़ किया करें, रजिस्टर्ड, मैं रजिस्टर्ड हो गया, ईमेल ये मैंने सेव कर दिया। मैं ईमेल बॉक्स में जाऊँगा, वहाँ पे लिंक आया होगा, उस लिंक को ओपन करके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ईमेल आया होगा यहाँ से, तो इस ईमेल पे क्लिक करके मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा, मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए अभी तक ईमेल नहीं आया है, ईमेल अभी आ जाएगा, ईमेल में थोड़ा टाइम लगता है। गो टू मेल बॉक्स, ये मेल बॉक्स हो गया, लेकिन यहाँ पे मेल आ जाएगा, थोड़ा देखना क्या होता है। ये देखो ये एप्लीकेशन आ गया, ये हो गया, प्लीज़ क्लिक द लिंक टू एक्टिवेट। ठीक है, तो मैं ये इसको एक्टिवेट करता हूँ। पे आना है और यहाँ पे आई हैव एग्री टू एग्री
ये करना है एंड कंटिन्यूस। इंटरनेशनल चाइनीज लैंग्वेज टीचर चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अप्लाई करना है, ये कर लें, नेक्स्ट कर लें। डॉक्टर स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, मास्टर के लिए कर रहे हो, अंडर ग्रेजुएट कर रहे हो, तो ये ठीक है। देखिए ये फील्ड्स मौजूद है, ठीक है, ये वाला इंग्लिश में मौजूद है, मास्टर स्टूडेंट्स के लिए किया है, फैकल्टी ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स, ठीक है, स्कूल ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, ये सब चाइनीज में है, तो आप सिर्फ इसी चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा डिपार्टमेंट में देता हूँ, ये आगे स्कूल ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स मैंने दे दिया, इसको सर्च आउट करते हैं। तो देखिए स्कूल ऑफ फिजिक्स में मास्टर स्टूडेंट्स के लिए ये सिर्फ स्कूल ऑफ फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स जो लोग पढ़ने चाहते हो और इंग्लिश में, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी चाइनीज लैंग्वेज में, एजुकेशन और फिर मास्टर पी एच डी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पर मैं देता हूँ सिविल इंजीनियर स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स से, तो स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स मैंने यहाँ मैंने फाइंड पुट कर लिया, तो ये जितनी भी मेजर ऑफ स्कूल ऑफ उसमें है मैथमेटिक्स में, तो ये सारे चाइनीज में, तो ये प्रोसेस मैं इस तरह से बता रहा हूँ। लेट सपोज आप लोग चाइनीज में अप्लाई नहीं करना चाहते, तो मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि तमाम यूनिवर्सिटी की एडमिशन इस तरह है, तो इसको सीख ले भी से, तो आप बाकी यूनिवर्सिटी के लिए ऐसे ही अप्लाई करोगे। तो देखिए स्कूल ऑफ एनवायरनमेंट में मास्टर स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश प्रोग्राम मौजूद है, ठीक है, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग इंग्लिश में मौजूद है, अप्लाई कर ले। हर डिपार्टमेंट यहाँ पर सर्च कर ले तो आपके पास आ जाए कि ये यूनिवर्सिटी के ये एडमिशन मौजूद है कि नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल सा तरीका है, अप्लाई करने का, स्टडी प्लान क्या पढ़ोगे, क्या पढ़ा है, तो रिसर्च वर्क के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इसमें पुट कर ले। मैं आगे नहीं जा सकता इसको फिल करने के बाद, लेकिन स्टडी प्लान, एजुकेशन पुट कर, इम्प्लॉयमेंट आपका है नहीं, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे करेंगे, जो भी क्वेश्चन हो स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो मेरे साथ, फेसबुक एजुकेशन पॉइंट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और मेरे साथ इधर ही यूट्यूब पे अपना व्हाट्सएप नंबर वगैरह लिख कर क्वेश्चन कर सकते हो, तो मैं आपको ऐड करूँगा ग्रुप में और इंशाल्लाह इकट्ठा काम करेंगे। तो ये है मुकम्मल प्रोसीजर किसी भी यूनिवर्सिटीज को अप्लाई करने का चाइनीज़।